Okay. Hi guys, this is Darshan Khare from Pune. ये क्लैरिफिकेशन वीडियो में दे रहा हूं उन बच्चों के लिए जो अर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं, और दूसरा क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पब्लिकेशन. ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना. ये है क्लैरिफिकेशन वीडियो रिगार्डिंग सीए फाइनल. पूरा ध्यान बोर्ड पे, डिवाइड इंटू टू पार्ट्स. दो प्रॉब्लम इस क्लैरिफिकेशन वीडियो में मैं सॉल्व करना चाहूंगा. वन इज रिगार्डिंग पब्लिकेशन बुक्स एंड सेकेंड इज रिगार्डिंग मे 20 के बच्चों के लिए अगर प्रिपरेशन करना है और उसके लिए उनको रेगुलर लेक्चर्स चाहिए, तो ये दो चीजें मैं इसके अंदर डिस्कस कर रहा हूँ. मे 20 ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए जिनको प्रिपरेशन करना है उसके लिए रेगुलर लेक्चर्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम पब्लिकेशन की बुक लॉन्च कर रहे हैं. हम पब्लिकेशन की बुक अभी प्रिपरेशन में ले ही रहे थे कि इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन वीडियो आया है. दैट वीडियो आईसीएआई ने, वीडियो बनी है, नोटिफिकेशन आया है. वो नोटिफिकेशन के अंदर इंस्टीट्यूट ये बोल रही है कि उनका पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा. उनका पेपर पैटर्न चेंज हो जाएगा, शायद पैराग्राफ फॉर्म में आएगा, समथिंग ऐसा डाउट चल रहा है. आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट के साइट के ऊपर नोटिफिकेशन अवेलेबल है, और वो केस स्टडी बेस्ड पेपर शायद करने वाले हैं. बट इट विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम मे 20. नवंबर 19 वालों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज डोंट क्रिएट अ हैवॉक. मे 20 से अप्लीकेबल हो जाएगा. तो इसलिए हमने पब्लिकेशन के बुक्स के प्रिंटिंग जो है वो अभी स्टॉप कर दिए है. पर मैंने एज सबको, अब सर पब्लिकेशन बुक नहीं आएगी क्या नवंबर 19 के लिए? तो मैंने ऑब्वियसली आपको वादा किया था कि मैं पब्लिकेशन बुक दूंगा. तो इसके लिए मैंने, हमने एक सॉल्यूशन निकाला है. मेरे जो रेगुलर बैच के बुक्स है, जो रेगुलर बैच के बुक्स है अप्लीकेबल फॉर नवंबर 19, ठीक है, वो सबके सब बुक्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ. सभी के सभी रेगुलर बैच के बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ सिर्फ नवंबर 19 के लिए एक्सक्लूसिवली. और ये बुक्स तभी तक अवेलेबल है, प्लीज डू अंडरस्टैंड, तभी तक अवेलेबल है जब तक स्टॉक है. जिस दिन स्टॉक फिनिश हो जाएगा इसका रीप्रिंट नहीं होगा, बिकॉज एनी वेज पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है, तो वी आर गोइंग टू चेंज द बुक्स ऑल्सो. सो नवंबर 19 वाले जो है वो लोग इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगा. हमारा रेगुलर बुक स्टॉक सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा. नीचे इसके लिंक भी मिल जाएगी इस इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे, या फिर आप, लिंक नहीं होगी नीचे तो आप वी स्मार्ट के वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो, सो यू कैन हैव इट. और रेगुलर बैच के बुक्स मिलेंगे. एक छोटा सा इन बुक्स के अंदर एक एडवांटेज है बोल सकते हो, या कुछ लोगों को लगेगा डिसएडवांटेज, डिपेंड्स. कुछ इसके अंदर जो चार्ट्स है वो सभी के सभी चार्ट्स हमने ब्लैंक रखे हैं. तो ये जो ब्लैंक चार्ट्स को फिलअप करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो. इसके साथ में क्या क्या दूंगा आई विल टेल यू. तीन कलर मॉड्यूल मिलेंगे आपको. तीन कलर मॉड्यूल में एक मॉड्यूल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, एक मॉड्यूल है मिसलेनियस कंपनीज एक्ट का, और एक मॉड्यूल है इकोनॉमिक लॉस का. सो ये तीन कलर मॉड्यूल आपको यहां पे हम दे रहे हैं. और इसके अंदर जो चार्ट्स है, बेयर मेनली टेक्स्ट नहीं, मतलब अगर आप टेक्स्ट ठीक से पढ़ो तो चार्ट्स तो आप खुद लिख सकते हो, बट इसमें जो स्टिल चार्ट्स है वो क्लास में लिखने के हिसाब से ब्लैंक है. इसके लिए हम आपको एक तो जेपीजी इमेज शेयर करेंगे उन चार्ट्स का जो फिल्ड अप होंगे, या आपको पीडीएफ शेयर करेंगे जिससे आप ये चार्ट फिलअप करवा सकते हो, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, और बुक्स बहुत बेस्ट बुक्स बनाई है. ऑब्वियसली मेरे रेगुलर बुक्स काफी फेमस है, बच्चे बहुत सारे उसको परचेस करने की राह देखते रहते हैं. यू कैन हैव ऑल्सो डू दैट. ठीक है, सो यू कैन गो विद दिस फॉर नाउ. सो जेपीजी और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा थ्री कलर मॉड्यूल. आपको एक क्वेश्चन ईयर मिलेगा, जो क्वेश्चन ईयर टोटली अपडेटेड है. ठीक है, और इसके बाद में आपको एक एमसीक्यू बुक मिलेगा, जो एमसीक्यू बुक भी टोटली आपका अपडेटेड रहेगा. ये तीन चीजें मैं आपको यहां पे दे रहा हूं. इसके साथ में आपको सिंपल नोट्स मिलेगी. सिंपल नोट्स ये टेक्स्ट नोट्स है सिर्फ, जिसके अंदर हमने पूरा शॉर्ट समरी रिवीजन दिया है. यू कैन कॉल इट एज 180 मार्क्स, सॉरी माय मिस्टेक, 90 मार्क्स इन 180 पेजेस. इस कंसेप्ट के ऊपर मैंने बुक बनाई थी कि भैया पर पेज अपने को हाफ मार्क तो मिलना चाहिए इस हिसाब से. सो ये बुक आपको मिलेगी. अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट वी आर ट्राइंग कि ये चीज आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए, बिकॉज इट इज इन स्टॉक, और ये तभी तक अवेलेबल है जब तक स्टॉक फिनिश अप हो जाएगा. सो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो रेगुलर बुक्स, डू विद दिस, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. पीडीएफ और जेपीजी जो ब्लैंक है मैं उसके दे ही रहा हूँ. ठीक है, साथ में अमेंडमेंट लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, वो अमेंडमेंट नोट्स आपके पास होगा. हार्डली एक लेक्चर है, और हार्डली कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है. मैक्सिमम चेंजेस ऑलरेडी इन बुक्स के अंदर किए हैं, सिर्फ जो एडिशन है एक दो, वो अमेंडमेंट लेक्चर के अमेंडमेंट शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ.
ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया पब्लिकेशन वालों का. सो इफ यू आर वांटिंग टू हैव माय बुक अपडेटेड बुक, जिनको चाहिए, जिनको अपडेटेड बुक चाहिए वो लोग इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस कर दे, आपको ये डिलीवर हो जाएगा 3 से 7 दिन के अंदर. ये होने के बाद में मई 20 को जो प्रिपेयर करने वाले हैं वो बच्चे बहुत सारे रुके हुए हैं कि सर हमको मई 20 के लिए बैच कैसे मिलेगा. मैं उनको स्ट्रेट अवे बोलना चाहूंगा, बच्चों मई 20 का मेरा बैच ये रिलीज होता है अक्टूबर एंड में, रिलीज होगा अक्टूबर एंड में इस बार, बिकॉज इंस्टीट्यूट के तरफ से कुछ चेंजेस वो बोलने की कोशिश कर रहा है, पर मेरे को नहीं लगता आपको डरने की कोई जरूरत है. मई 20 वाले अक्टूबर एंड में ये बैच लेगा, मैं उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल रहूंगा. और नवंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है ये आपका बैच रिलीज होगा, अक्टूबर एंड में या नवंबर फर्स्ट वीक में. सो अगर ये बैच अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक में रिलीज हो रहा है और आपको चाहिए कि आप अर्ली प्रिपेयर करो कि सर मुझे अर्ली प्रिपरेशन करना है, आई वांट टू डू विद गो विद दिस बैच, मुझे अर्ली प्रिपेयर करना है, तो आप अर्ली प्रिपरेशन अगर ये बैच के अंदर करना चाहते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप राइट नाउ ये रेगुलर लेक्चर्स जो अवेलेबल है वो सभी के सभी रेगुलर लेक्चर्स आप राइट नाउ ऑर्डर कर दो. इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि इन रेगुलर लेक्चर के साथ सिर्फ एक अमेंडमेंट लेक्चर आप कर लो, सिर्फ एक अमेंडमेंट लेक्चर आप कर लो तो आपका पूरा का पूरा अपडेशन अभी तक का हो जाएगा जितना हुआ है. दे रहे आंसर. एनीवेज आप मई 20 का भी अटेम्प्ट दे रहे हो और आप बोलोगे मई 20 के लिए क्या ये बैच अपडेटेड है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में भी परचेस करोगे नए रिकॉर्डिंग, वो भी मई 20 के लिए अपडेटेड नहीं रहेगा. रीजन ये है, आरटीपी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं फेब्रुवरी में मई 20 एग्जाम के लिए. अब मई 20 एग्जाम के लिए आरटीपी में फेब्रुवरी में चेंजेस आएंगे तो मैं उसका अमेंडमेंट लेक्चर एनीवेज मार्च में डालूंगा. तो आपको यहां पे क्या करना है, एनीवेज आपको सिर्फ एक अमेंडमेंट लेक्चर देखना है, तो एक अमेंडमेंट लेक्चर की वजह से आप रुक क्यों रहे हो. एनीवेज आप अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में लोगे तो भी आपको फेब्रुवरी में अमेंडमेंट देखना है, ठीक है, क्योंकि आरटीपी. और मैं अमेंडमेंट आरटीपी के पहले नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने अमेंडमेंट बोला आरटीपी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो जो पढ़ाया उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, जिसमें समय भी जाएगा, आपका एनर्जी भी जाएगा, आप बाद में मेरे को गालियां दोगे कि सर ये क्या कर रहे हो करके. इसलिए आरटीपी एनीवेज आप अक्टूबर के एंड में या नवंबर में बैच लोगे तो भी आपको आरटीपी में अमेंडमेंट देखना है. अगर आप ये रेगुलर बैच और वन अमेंडमेंट सिर्फ एक ही अमेंडमेंट लेक्चर है देखोगे तो भी आपका रेगुलर बैच आपको आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखना है. सो जिनको अर्ली प्रिपेयर करना है कि भाई नहीं मुझे पूरे 4-5 महीने खुद के लिए चाहिए, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अर्ली, मैं अर्ली प्रिपेयर होना चाहता हूँ और 4-5 महीने आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ स्टडी, बिंदास बैच ले लू, उसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल मैं रहूंगा. सर इसमें केस स्टडी वगैरह का अगर कुछ पैटर्न आता है तो मैं जिंदा हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर केस स्टडी का पैटर्न आया तो केस स्टडी के लिए मैं सेपरेट नोट्स बनाऊंगा और केस स्टडी की सेपरेट बुक आपको दूंगा, उसके ऊपर डिस्कशन भी मैं यूट्यूब के ऊपर डालूंगा. जितने भी केसेस 2-3 में 4-5 जितने भी होंगे अगर आता है तो मैं इसका यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा. एनीवेज अगर आप अक्टूबर एंड या नवंबर वाली बैच करोगे तो भी आपको केस स्टडी के सेपरेट लेक्चर्स एनीवेज देखने ही पड़ेंगे अगर आता है तो. इसके चांसेस अभी तक वी आर नॉट अवेयर कि इंस्टीट्यूट इसको कब से इंप्लीमेंट करेगा, पर जो अर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं मैं उनको रोकना नहीं चाहता, बिकॉज अर्ली प्रिपरेशन इज ऑलवेज एडवांटेजेस इन केस ऑफ सीए फाइनल, और आपने करना भी चाहिए. मेरे को तो ऐसा लगता है लास्ट 4 मंथ्स यू शुड सेपरेटली हैव फॉर योर ओन स्टडीज, दैट आई थिंक सो, कि अगर आपके सेपरेटली, बिकॉज टाइम इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट बेटा. मैंने जब मेरे सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया था तो मैं कम से कम 5 महीने के प्रिपरेशन लीव के ऊपर था. 5 महीने के अंदर मैंने कोई क्लास भी नहीं किया, मेरे क्लासेस सब पहले खत्म हो चुके थे. 5 महीने का प्रिपरेशन लीव लेने के बाद भी आई वॉज फेल्योर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो टाइम इज वेरी क्रुशियल एलिमेंट, और मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहता जो अर्ली प्रिपेयर करते हैं. हाँ, यहाँ अगर एक अमेंडमेंट लेक्चर की जगह 10 अमेंडमेंट लेक्चर होते तो मैं आपको बोलता था प्लीज मत करो, आप दूसरी बैच अक्टूबर एंड तक रुको. यहाँ एक ही अमेंडमेंट लेक्चर है, ये बैच और ये बैच के अंदर जो डिफरेंस है वो एक ही है, दैट्स इट, ओनली एक अमेंडमेंट लेक्चर, इससे ज्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है. बुक सेम है, नोट सेम है, एवरीथिंग इज सेम. सो ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना, ठीक है. और सर कोर्स डिलीशन हुआ है उसका क्या, तो कोर्स अगर डिलीशन की अगर आप बात कर रहे हो, कोर्स डिलीशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर देके रखा है और उसका एक पीडीएफ आपको साथ में मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से लेक्चर आपको नहीं देखने और कौन कौन सी चीजें बुक में से कट करनी है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. वो एकदम क्लियर वाला मैटर मैंने देख रखा है कि कोर्स डिलीशन ये पेज से ये पेज नहीं पढ़ना है, ये लेक्चर का ये पॉइंट से ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, उतना स्किप कर देना है, एज सिंपल एज दैट. तो इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, आपको यहाँ एक अमेंडमेंट लेक्चर देखना है, सिर्फ एक ही है, हार्डली 3-3.5 घंटे का. अगर आप अर्ली प्रिपेयर करना चाहते हो तो एक लेक्चर के हिसाब से मत रुकिए, आपका प्रिपरेशन शुरू रखिए. जो भी अमेंडमेंट आएगा वो इनको भी देखना है और जो ये देखने वाले उनको भी देखना है, और वो आरटीपी में रिलीज होगा फरवरी में, जिसका लेक्चर आएगा 10 मार्च, आपको डेट पता ही होगा 10 सितंबर 10 मार्च. सो अर्ली प्रिपेयरर्स बेस्ट ऑफ लक, गो विद दिस बैच श्योरली, और
मैं अभी तक बच्चों को ये बोल रहा था कि सर अक्टूबर तक के रुक जाओ, अक्टूबर तक के रुक जाओ, बिकॉज मेरे को नहीं पता था अल्टीमेट कितने अमेंडमेंट आएंगे, लेकिन अभी मैंने देखा तो हार्डली एक लेक्चर है। दैट्स व्हाई मैं अभी बोल रहा हूँ कि बिंदास ले लो, तुम्हारे प्रिपरेशन के आड़े में आना नहीं चाहता। टाइम इज वेरी क्रूशियल एलिमेंट। अगर आप ये बैच लेके अभी से लेके अगस्त सितंबर में भी कंप्लीट कर देते हो तो यू आर नियरली अक्टूबर से तुम खुद रेडी हो जाओगे कि तुम्हारा सेल्फ प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो वेरी एसेंशियल एलिमेंट है, कोई भी अपडेट नहीं है एक अमेंडमेंट लेक्चर छोड़ के, बिंदास इस चीज लेकर ले लो, इसके लिए मैं टोटली रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। ठीक है, केस स्टडी वगैरह जो भी चेंजेस होता है वो भी मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा। एनीवेज मेरे को अगर केस स्टडी पैटर्न आया तो इनको भी सेपरेटली प्रोवाइड करना है, आपको भी करना ही है, एनीवेज करना है, तो वो सेपरेट ही लेक्चर्स बनेगा। अगर केस स्टडी पैटर्न आएगा तो इधर भी देना है, इधर भी देना है अगर आया तो। फिलहाल सिर्फ एक अपडेट है, एक अमेंडमेंट लेक्चर, सो गो विद दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ए ऑर्डर अभी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, सो प्लीज गो विद दैट, इट विल बी वेरी एडवांटेजेस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।